स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों यह है फाइलम सीलेंट्रेटा या फिर निडेरिया का लेक्चर नंबर 3 यानी कि तीसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेडुसा ऑफ ओबिलिया यानी कि ओबिलिया का मेडुसा। फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे ओबिलिया के मेडुसा में कौन कौन सी खास संरचनाएँ होती हैं जिन्हें एग्जाम में बनाना जरूरी है या फिर समझने के लिए इसे बनाना जरूरी है, और देखेंगे कि एग्जाम में कैसे आप उन संरचनाओं के बारे में विस्तार से लिख सकेंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, लास्ट तक बने रहिए। चलिए समझते हैं। तो दोस्तों इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था कि जो ओबिलिया की कॉलोनी हुआ करती थी उसके अंदर दो तरह के जुआइट्स होते थे। जो एक न्यूट्रिटिव जुआइट्स हुआ करता था जिसे हम लोग हाइड्रेंथ कहते थे, हाइड्रेंथ न्यूट्रिटिव जुआइट्स होता था। हाइड्रेंथ के माध्यम से पूरी कॉलोनी को पोषण मिलता था। और जो दूसरा जुआइट्स होता था जिसे रिप्रोडक्टिव जुआइट्स या फिर गोनेंजियम कहते थे, और गोनेंजियम के अंदर आपने देखा था एक स्ट्रक्चर होते थे जिसे ब्लास्टो स्टाइल कहते हैं। ब्लास्टो स्टाइल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसी ब्लास्टो स्टाइल पर ही मेडुसा लगे होते हैं। तो ब्लास्टो स्टाइल के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेडुसा बनता है, इसीलिए इसको रिप्रोडक्टिव जुआइट्स कहते हैं। और मेडुसा जब तक बर्ड कंडीशन में होता है तब तक ब्लास्टो स्टाइल से लगा होता है, लेकिन ज्यों ही मेडुसा मैच्योर होता है यह टूट जाता है ब्लास्टो स्टाइल से और गोनोपोर के माध्यम से निकल करके पानी में तैरने लगता है। तो आपने देखा कि जो मेडुसा होता है यह ब्लास्टो स्टाइल पर बनता है और मैच्योर होने के बाद टूट करके ब्लास्टो स्टाइल से और फिर गोनोपोर के माध्यम से निकल जाएगा और पानी में तैरने लगेगा। तो कहाँ बनता है और कब तैरने लगता है ये चीज तो आप समझ गए। अब चलिए समझते हैं कि इसका शेप क्या होता है, अब इसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो मेडुसा होता है ओबिलिया का यह तीसरे तरह का जुआइट्स हो गया। एक तो हाइड्रेंथ पहला जुआइट्स, दूसरा गोनेंजियम दूसरा जुआइट्स, और गोनेंजियम से निकल गया एक तीसरा जुआइट्स जिसे मेडुसा कहेंगे। तो मेडुसा जो होता है वह साउसर शेप्ड यानी कि प्लेट की आकार प्लेट के आकार का या फिर तस्तरी के आकार का होता है। तस्तरी या फिर प्लेट या थाली आप देखे हैं। इसके अलावा जो मेडुसा होता है इसे आप कह सकते हैं घंटी के आकार का यानी कि बेल शेप्ड हो सकता है, या फिर इसे कह सकते हैं अम्ब्रेला लाइक या मतलब छतरी की तरह से होता है। तो अभी आपको ये छतरी की तरह से नहीं दिख रहा है क्योंकि जो मेडुसा होता है ये इस तरह से पानी में ऐसे पानी में तैरता रहता है, लेकिन अभी ऐसे नहीं दिखाया गया है, इस मेडुसा को ऐसे करके दिखा दिया गया है। तो अभी देखने में यह छतरी की तरह से शायद न दिख पा रहा हो, लेकिन अभी पूरी स्ट्रक्चर आप समझेंगे तो आप जान जाएंगे कि किस तरह से छतरी की तरह से होता है। तो मेडुसा सामान्य रूप से तो इस तरह से तैरता है, लेकिन इसके स्टडी के लिए इसका सुटेबल अध्ययन करने के लिए हम लोग इस तरह से दिखाए हैं मेडुसा को, ताकि इसके अंदर की आने वाली सारी संरचनाएं आपको दिख सके और उसके बारे में आप जान सकें। तो देखिए जो मेडुसा होता है छतरी के आकार का होता है, और आपने देखा है कि छतरी में दो सतह होती है, अंदर की एक धंसी हुई सतह होती है जिसे आप कॉनकेव या फिर अवतल सरफेस या अवतल सतह कहेंगे, और ऊपर की जो सतह होती है उसे कॉन्वेक्स या फिर उत्तल सतह कहेंगे। तो दो सतह होती है, एक उभरी हुई सतह और एक धंसी हुई सतह। बिल्कुल उसी तरह से मेडुसा के भी अंदर दो सतह होती है, जो ऊपर की सतह होती है उभरी हुई सतह होती है ये वाली सतह, इसको एक्स अम्ब्रेलर सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्स अम्ब्रेलर सरफेस कहेंगे। और नीचे की जो धंसी हुई सतह होती है कॉनकेव सरफेस होता है उसे सब अम्ब्रेलर सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे? सब अम्ब्रेलर सरफेस कहेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आप पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बार बार होती रहती है। तो ऊपर की जो सतह है उसे एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, और नीचे की जो धंसी हुई सतह है उसे सब अम्ब्रेलर सरफेस कहेंगे। दोनों सतह के बारे में आप जान गए। तो नीचे की जो सतह होती है उसमें खास संरचनाएँ जो पाई जाती हैं वो क्या होती हैं? देखिए ये जो पूरा सिस्टम दिख रहा है
एक सर्कुलर सिस्टम दिख रहा है कैनाल की तरह से, और ये देखिए रेडियस यानी त्रिज्या की तरह से कैनाल दिख रही है। तो ये गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या है? गैस्ट्रोवैस्कुलर दो शब्दों से मिलकर बना है। गैस्ट्रो का मतलब पाचन से संबंधित सिस्टम और वैस्कुलर का मतलब सर्कुलेशन से संबंधित सिस्टम। तो इसके नीचे क्या पाया जा रहा है? गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम और ओविलिया के अंदर पाई जाने वाली यही खास संरचनाएं हैं। बाकी आप चार गोनेट्स भी देख रहे हैं, तो अभी हम इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो देखिए ये जो आप सरफेस देख पा रहे हैं यह सब अम्ब्रेलर सरफेस है, यानी कि अम्ब्रेला के अंदर का जो धंसा हुआ भाग होता है उसे दिखाया गया है इस तरह से। इसमें देखिए क्या है, एक हैंडल की तरह से लटकती हुई संरचना आपको दिख रही है, जिसको क्या कहेंगे? मैनुब्रियम कहेंगे। क्या कहेंगे? मैनुब्रियम कहेंगे। तो इसका सरफेस तो छतरी की तरह से दिखाता ही है, इस तरह से होकर ये छतरी की तरह से होता है, मेडुसा को ये तो प्रूफ हो जाता है। लेकिन जब इसमें हैंडल दिखता है नीचे, इसका मैनुब्रियम दिख जाता है, तब तो पूरा क्लियर हो जाता है कि यह एकदम छतरी की ही तरह से होता है। क्योंकि छतरी में भी एक डंडी अंदर लगी होती है, एक स्टिक होती है, उसका हत्था होता है जिसे पकड़ करके हम छतरी को ओढ़ते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से इसका सरफेस तो छतरी की तरह से होता ही है, साथ ही साथ इसमें नीचे मैनुब्रियम भी लग गया, एक हैंडल भी लग गया, तो अब यह हूबहू छतरी की ही तरह से हो जाता है। अब चलिए समझते हैं, ये जो मैनुब्रियम होता है इसके एपेक्स पर यानी सबसे ऊपर जो है माउथ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माउथ पाया जाता है। और माउथ अंदर जो है मैनुब्रियम के अंदर खुलता है, यानी कि इसके अंदर भी जगह है तो मैनुब्रियम के अंदर खुलता है। कौन? माउथ। और फिर मैनुब्रियम जाकर के किसके अंदर खुलता है? स्टमच के अंदर खुलता है। और स्टमच जाकर के चारों तरफ, देखिए ये चारों तरफ चार कैनाल निकली हुई है जिसे रेडियल कैनाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियल कैनाल बोलेंगे। तो माउथ किस में खुला? मैनुब्रियम में। मैनुब्रियम किस में खुला? स्टमच में। और स्टमच किस में खुल गया? रेडियल कैनाल में। आप देख पा रहे हैं कि रेडियल कैनाल आगे जाकर के चारों तरफ, चारों रेडियल कैनाल जाकर के एक सर्कुलर कैनाल में खुल रही है, जिसे सर्कुलर कैनाल या फिर इसे रिंग कैनाल भी कहेंगे। एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में खुल रही है जिसे सर्कुलर कैनाल या फिर रिंग कैनाल भी कह सकते हैं। तो कहाँ से कहाँ इसकी कैनाल जुड़ी होती है ये आप समझ गए। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो रेडियल कैनाल है उसके ऊपर ये रेड कलर से डॉटेड स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, इसे आप कहेंगे गोनेड्स। क्या कहेंगे? गोनेड्स। तो चार रेडियल कैनाल के ऊपर चार गोनेड्स पाए जा रहे हैं। गोनेड्स का मतलब यही इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जिसे हिंदी के अंदर जनद बोलते हैं। और गोनेड्स दो तरह के हो सकते हैं। अगर मेडुसा मेल है तो ये गोनेड्स क्या रहेगा? टेस्टिस हो सकते हैं, जो स्पर्म का निर्माण करेंगे। और अगर ये मेडुसा फीमेल है तो टेस्टिस की जगह ये गोनेड ओवरी हो सकते हैं और इसमें से ओवम निकलेंगे। तो गोनेड्स का मतलब अभी यह निर्धारित नहीं है कि यह मेल गोनेड है कि फीमेल गोनेड है, यानी टेस्टिस है कि ओवरी है, यह निश्चित नहीं हुआ है। अभी आप बस इतना ही जानते रहिए कि यह गोनेड है। क्या है? गोनेड है। तो चार गोनेड पाए जा रहे हैं चारों रेडियल कैनाल पर। अब ये जो सर्कुलर कैनाल आप देखे हैं, ये सर्कुलर कैनाल जिसमें जाकर के रेडियल कैनाल खुल रही है, इसके बाहर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर और आप देख पा रहे हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? वेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलम। यह जो है मेडुसा के सबसे किनारे वाला पोर्शन होता है, सबसे किनारे वाला भाग होता है। जैसे छतरी में भी आप इस तरह का किनारे वाला भाग देखते होंगे, छतरी में भी आप इस तरह का देखे होंगे। तो ये वाला जो आप भाग देख पा रहे हैं, यही जो है इसके मेडुसा में भी पाया जाता है, तो इसे आप क्या कहेंगे? वेलम कहेंगे। और वेलम से आप देख पा रहे हैं बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए हैं, जिन्हें आप क्या कहेंगे? टेंटिकल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेंटिकल्स। क्या बोलेंगे? टेंटिकल्स। यानी कि जो ये धागे की तरह से निकली हुई संरचना बाहर देख पा रहे हैं उसे क्या कहेंगे?
टेंटिकल्स। टेंटिकल्स एक हाईली कंट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर होती है, यानी कि पूरी तरह से यह अपने हिसाब से संकुचित हो सकती है, यानी कि सिकुड़ सकती है और अपने हिसाब से फैल सकती है, और फैल करके जो है शिकार को, यानी कि जिसे यह खाना चाहेगा, भोजन के रूप में जिसे शिकार बनाना चाहेगा उसे पकड़ सकते हैं ये टेंटिकल्स। टेंटिकल्स कंट्रैक्टाइल होते हैं, जैसे आप घोंघा या पाइला को देखे होंगे, फाइलम मोलस्का का एक जंतु है घोंघा या फिर पाइला, उसके आगे एक सेंसिटिव आर्गन निकला होता है इस तरह का, आप देखे हैं, और ऐसे करके ये चलता रहता है, और जब आप इसे टच कर देंगे या फिर कोई भी सॉलिड मटेरियल इसके सामने आ जाता है तो ये इस तरह से कर लेता है, मतलब छुपा लेता है उस सेंसिटिव स्ट्रक्चर को। तो बिल्कुल उसी तरह से इसमें जो ये टेंटिकल्स होते हैं, एक कंट्रैक्टाइल होते हैं, स्वेच्छा से सिकुड़ भी सकते हैं और फैल भी सकते हैं। टेंटिकल का काम क्या है, शिकार को पकड़ करके अब माउथ के पास करना है, ऐसे पकड़ करके माउथ के पास करते रहते हैं और माउथ से यह भोजन को लेता रहता है और इसका न्यूट्रिशन होता रहता है। तो दोस्तों सारी स्ट्रक्चर लगभग आप समझ गए। एक देखिए क्या है, पोजीशन ऑफ स्टेटोसिस्ट। पोजीशन ऑफ स्टेटोसिस्ट, ये आप अलग तरह के 8 टेंटिकल्स देख पा रहे हैं और उसके बेस पर फूली हुई स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसे आप क्या करें, पोजीशन ऑफ स्टेटोसिस्ट। थोड़ी सी धैर्य रखिए, पोजीशन ऑफ स्टेटोसिस्ट के बारे में अभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यह एक मैच्योर मेडुसा बनाया गया है, लेकिन जब मैच्योर मेडुसा नहीं होता है, जब यह बर्ड कंडीशन से तुरंत निकला होता है तो फुल्ली मैच्योर नहीं होता है, जिसे आप बेबी मेडुसा या फिर इमैच्योर मेडुसा भी कह सकते हैं। तो यहां पर देखिए जो ये फिगर बनाया गया है, ये बेबी मेडुसा का यानी कि इमैच्योर मेडुसा का फिगर बनाया गया है। शुरू में जो मेडुसा के अंदर होते हैं वो केवल 16 टेंटिकल्स ही पाए जाते हैं। आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि बहुत सारे टेंटिकल पाए जा रहे हैं, लेकिन शुरू में जब मेडुसा बेबी कंडीशन में होता है, कि यानी कि छोटा होता है, इमैच्योर होता है, तो उसके पास केवल 16 टेंटिकल्स ही पाए जाते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि 16 टेंटिकल्स ही बनाए गए हैं। आप 4 देख रहे हैं हरे कलर के टेंटिकल मैंने बनाया है और 4 लाल कलर से बनाया, यानी रेड कलर से बनाया है, तो 4 8 हो गए, बाकी 8 आप ब्लू कलर से देख पा रहे हैं, तो 8 × 16 तो कुल 16 टेंटिकल्स हो गए। तो ये जो 16 टेंटिकल्स होते हैं, यह 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के होते हैं। ये देखिए 4 जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया ये 4 हैं, और जो ब्लू कलर से बनाया है वो 8 है, वो 8 हैं, और बाकी जो रेड कलर से बनाया गया है वो भी 4 हैं। तो 4 8 और ये ऊपर के 8 कितने हो गए? 16। अब इन ये 3 तरह के कैसे होते हैं ये समझिए। आप ये समझ गए होंगे कि जो ये कैनाल बनाई गई है ये रेडियल कैनाल है, और ये चारों जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाई गई है इसको आप क्या कहेंगे? गोनेड कहेंगे। तो जो रेडियल कैनाल के सामने जो ये टेंटिकल दिख पा रहे हैं 4, इस रेडियल कैनाल के सामने ये वाला टेंटिकल, और इस रेडियल कैनाल के सामने ये वाला टेंटिकल, इस रेडियल कैनाल के सामने ये वाला, और इस रेडियल कैनाल के सामने ये वाला, यानी जो रेडियल कैनाल के सामने टेंटिकल्स दिख रहे हैं उसे आप क्या कहेंगे? पर रेडियल टेंटिकल्स। क्या बोलेंगे? पर रेडियल टेंटिकल। एक है तो क्या बोलेंगे? टेंटिकल। तो पर रेडियल टेंटिकल, जो रेडियल कैनाल के एकदम सामने है, फ्रंट पे देखिए, ये रेडियल कैनाल और इसी के सामने टेंटिकल, ये रेडियल कैनाल और इसी के सामने टेंटिकल, ये रेडियल कैनाल और इसी के सामने टेंटिकल। तो जो रेडियल कैनाल के सामने टेंटिकल दिख रहे हैं उसे पर रेडियल टेंटिकल बोलेंगे। अब देखिए जो ये 2 पर रेडियल टेंटिकल, हरे हरे रंग के 2 पर रेडियल टेंटिकल, या यहाँ पर हरे रंग के 2 पर रेडियल टेंटिकल, इनके बीच में एक रेड कलर का टेंटिकल मैंने बनाया हुआ है। तो चारों पर रेडियल टेंटिकल के बीच में जो टेंटिकल पाया जाता है उसे इंटर रेडियल टेंटिकल बोलेंगे। तो जितने भी ये रेड कलर के टेंटिकल्स मैंने बनाया हुआ है यह इंटर रेडियल टेंटिकल हैं। इंटर रेडियल टेंटिकल ये कहाँ पाए जा रहे हैं? तो दोनों पर रेडियल टेंटिकल के बीच में। तो 8 हो गए, 4 हरे कलर वाले हो गए और 4 लाल कलर वाले हो गए। अब बचे ब्लू कलर वाले, तो एक पर रेडियल टेंटिकल और दूसरा इंटर रेडियल टेंटिकल, एक पर रेडियल टेंटिकल और दूसरा इंटर रेडियल टेंटिकल, एक इंटर रेडियल टेंटिकल और दूसरा पर रेडियल टेंटिकल, यानी कि एक इंटर रेडियल टेंटिकल और दूसरा पर रेडियल टेंटिकल के बीच में जो टेंटिकल मिलेगा उसे
एड रेडियल टेंटकिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एड रेडियल टेंटकिल्स। तो आप समझ गए कि एड रेडियल टेंटकिल 8 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों के बीच में पाया जा रहा है। देखिए पर रेडियल टेंटकिल और फिर इंटर रेडियल टेंटकिल के बीच में एक मिल गया, फिर उसी तरह से इंटर रेडियल टेंटकिल पर रेडियल टेंटकिल के बीच में मिल गया, तो ये इसकी संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। तो दोस्तों जो एड रेडियल टेंटकिल है जिसे हमने ब्लू कलर से यहाँ पर बनाया हुआ है, वही स्ट्रक्चर देखिए यहाँ ब्लैक कलर से बनाई गई है बड़े वाले फिगर में। तो यह भी टेंटकिल है, लेकिन यह कौन सा टेंटकिल है, तो एड रेडियल टेंटकिल है। और इसी एड रेडियल टेंटकिल के नीचे जो इसका बेस होता है, इसमें बल्बस स्ट्रक्चर होती है, यानी कि फूली हुई संरचना होती है, जिसे आप क्या कहेंगे, पोजीशन ऑफ स्टेटोसिस्ट। क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ स्टेटोसिस्ट, यानी कि स्टेटोसिस्ट क्या है, इसके अंदर पाई जाने वाली एक स्ट्रक्चर है जो इस मेडुसा को सेंस ऑर्गन का या फिर बैलेंसिंग का काम करता है, बैलेंस देने का काम करता है। आपको पता है कि मेडुसा पानी में तैरता रहता है, अगर इसका बैलेंस नहीं बनेगा तो ठीक नहीं है, तो इसे बैलेंसिंग ऑर्गन भी कहते हैं, किसे, स्टेटोसिस्ट को। और इसका पोजीशन कहाँ होता है, तो एड रेडियल टेंटकिल के बेस में फूली हुई स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। बाकी अन्य जितने टेंटकिल हैं सबके बेस पर फूली हुई स्ट्रक्चर होती है हल्का हल्का, जिसके अंदर क्या होते हैं, निमेटोसिस्ट होते हैं। और निमेटोसिस्ट शिकार को बेहोश करने में या उन्हें जो है सक्षम से अक्षम बनाने में हेल्प करते हैं, ताकि ये जो मेडुसा है यह शिकार को पकड़ करके आसानी से खा सके। क्लियर हो गया। तो दोस्तों आप मेडुसा के बारे में जो भी स्ट्रक्चर आती है वो पूरी तरह से समझ गए हैं। अब चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि इसके बारे में लिखना क्या है। तो दोस्तों एग्जाम में अगर मेडुसा से संबंधित सवाल पूछता है तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे मेडुसा या फिर मेडुसा ऑफ ओबिलिया, इसमें लिख देंगे मेडुसा आर मॉडिफाइड जुआयट्स, यानी कि जो मेडुसा होता है वो मॉडिफाइड जुआयट्स होता है, यानी कि एक तीसरे तरह का बदला हुआ जुआयट्स होता है। मीन्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्ट का मतलब, इसका मतलब क्या है, क्यों यह होता है, तो यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यह जुआयट्स होता है। इट बियर्स सेक्स ऑर्गन ऑफ ओबिलिया, यानी कि यह ओबिलिया का सेक्स ऑर्गन धारण किए हुए है, यानी कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर धारण किए हुए हैं। और फिर देखिए इट अटैच्ड फ्रॉम ब्लास्टोस्टाइल इन बर्ड कंडीशन, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि बर्ड कंडीशन में ये मेडुसा ब्लास्टोस्टाइल से अटैच होते हैं, जुड़े रहते हैं। मेच्योर मेडुसा डिटैच फ्रॉम ब्लास्टोस्टाइल, जब मेडुसा मेच्योर हो जाता है तो यह ब्लास्टोस्टाइल से डिटैच हो जाता है, यानी कि टूटकर अलग हो जाता है और पानी में तैरने लगता है। इतनी बात तो आप मेडुसा लिख करके दिखा देंगे। फिर नीचे हेडिंग डाल देंगे शेप एंड साइज, तो शेप देखिए क्या है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला शेप्ड भी हो सकता है या फिर बेल शेप्ड कह सकते हैं या फिर सैलो सॉसर शेप्ड, सैलो का मतलब एक छिछले, सॉसर का मतलब प्लेट की तरह से या फिर थाली की तरह से, तो एक छिछले प्लेट या थाली की तरह से भी इसे आप देख सकते हैं, कह सकते हैं। आगे क्या है, मीजरिंग अबाउट 1 से 2 mm इन डायमीटर, यानी कि यह 1 से 2 mm डायमीटर का होता है मेडुसा, बहुत एकदम छोटा सा, इतना बड़ा आपको दिखेगा। ये फिगर बड़ा करके दिखाया गया है ताकि आप इसके अंदर आने वाली सभी संरचनाओं को अच्छे से देख सकें और समझ सकें। आउटर कॉन्वेक्स सरफेस इज एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, इसके बाहर का जो फूला हुआ, कॉन्वेक्स का मतलब उभरा हुआ या उत्तल सरफेस होता है, जिसे आप क्या कहेंगे, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस कहेंगे। मैंने अभी बताया है इस तरह का जो उभरा हुआ भाग है इसे आप क्या कहेंगे, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कंफ्यूज होंगे तो सब उल्टा का पुल्टा आप लिख देंगे। इनर कॉनकेव सरफेस इज सब अम्ब्रेलर सरफेस, यानी अंदर का जो धंसा हुआ भाग होता है उसे सब अम्ब्रेलर सरफेस कहेंगे। सब अम्ब्रेलर सरफेस सोज, यानी कि जो नीचे का धंसा हुआ भाग है सब अम्ब्रेलर सरफेस है, वह सोज करता है यानी दिखाता है। उसके पास होते हैं क्या क्या होते हैं, तो रेडियल कैनाल्स एंड गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि रेडियल कैनाल होती है और गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम होता है, यानी कि गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब अभी मैंने बताया है कि पाचन से संबंधित सिस्टम भी और सर्कुलेशन से भी संबंधित सिस्टम इसके अंदर होता है। मैच्योर मेडुसा हैज
फोर गोनेट्स, यानी जब मेडुसा मेच्योर हो जाता है तो इसके पास चार गोनेट तैयार हो जाते हैं, जो आप चार गोनेट देख पा रहे हैं इस फिगर के अंदर। इसके बाद हेडिंग डाल देंगे मैनुब्रियम। अब आपको एक एक स्ट्रक्चर दिखाना है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे मैनुब्रियम, जो कि ये वाली स्ट्रक्चर है मैनुब्रियम, यहाँ पर लिखा गया है। इसके अंदर क्या लिखेंगे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सब अम्ब्रेलर सरफेस, यानी सब अम्ब्रेलर सरफेस के सेंटर से क्या क्या है, ए हैंडल शेप्ड, एक हैंडल की तरह से, हैंडल आप जानते हैं हत्था की तरह से, हैंडल शेप्ड स्ट्रक्चर हैंग डाउन, यानी कि हत्थे की तरह से संरचना, हैंग डाउन का मतलब नीचे लटक रही है, कॉल्ड मैनुब्रियम, जिसे क्या कहेंगे मैनुब्रियम। इट बियर्स फोर साइडेड माउथ, इसके पास फोर साइडेड, देखिए कि फोर साइडेड, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, यानी कि फोर साइडेड माउथ है, जिसे रेक्टेंगुलर माउथ कहेंगे, वर्गाकार माउथ इसके पास है, कहां पर, मैनुब्रियम के सबसे ऊपर एपेक्स पर। अब हेडिंग डाल देंगे वेलम। वेलम में क्या लिखेंगे, ए सर्कुलर एज ऑफ अम्ब्रेला फोल्ड इनवर्ड, यानी कि जो इसका सर्कुलर एज है, सर्कुलर मतलब जो गोलाकार या फिर रिंग लाइक, सर्कुलर एज, एज मतलब क्या होता है किनारा, यानी जो इसका सर्कुलर एज है, सर्कुलर किनारा है ऑफ अम्ब्रेला, मतलब इसका जो अम्ब्रेला है उसका फोल्ड इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, अंदर की तरफ मुड़ जाता है, कॉल्ड वेलम, जिसे आप क्या कहेंगे वेलम कहेंगे। अगर आप छतरी को भी ध्यान से देखेंगे तो उसके कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ करके सिला रहता है, तो उसे क्या कहेंगे वेलम। तो बिल्कुल उसी तरह से जो मेडुसा होता है उसका जो किनारा होता है, सर्कुलर एज होता है, वो भी अंदर की तरफ मुड़ा होता है, जिसे आप क्या कहेंगे वेलम कहेंगे। इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे टेंटकिल्स, और टेंटकिल में क्या लिखेंगे, मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला बियर्स शॉर्ट टेंटकिल्स, यानी कि जो अम्ब्रेला का मार्जिन है वह छोटे छोटे टेंटकिल्स धारण किए हुए है। इट बियर्स निमेटोसिस्ट, यानी जो टेंटकिल होता है वो निमेटोसिस्ट धारण किए हुए है। बेस ऑफ टेंटकिल्स स्वेलन टू फॉर्म टेंटिकुलर बल्ब, यानी जो बेस होता है टेंटकिल का वह फूल जाता है, स्वेलन का मतलब फूल जाता है, और टेंटिकुलर बल्ब बनाता है। बल्ब हैज सेंस ऑर्गन स्टेटोसिस्ट, आपने देखा कि जो बल्ब बना है इसके अंदर सेंस ऑर्गन होता है, इसे बैलेंसिंग ऑर्गन भी कह सकते हैं, तो इसके अंदर क्या है स्टेटोसिस्ट है, सभी टेंटकिल के अंदर नहीं, ये जो एड रेडियल टेंटकिल है उनके अंदर, मैंने अभी आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझाया है। बडेड मेडुसा बियर्स ओनली 16 टेंटकिल्स, यानी जो बडेड मेडुसा है या बड कंडीशन में मेडुसा है, बेबी कंडीशन में मेडुसा है, या फिर इमेच्योर मेडुसा है, उसके पास केवल 16 टेंटकिल ही पाए जाते हैं। और इन 16 टेंटकिल में क्या व्यवस्था होती है, यह इस फिगर के माध्यम से मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप इसे क्लियर हो गए होंगे। आप हेडिंग डाल देंगे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर क्या लिखेंगे, तो देखिए रेक्टेंगुलर माउथ लीड इनटू मैनुब्रियम, यानी जो इसका रेक्टेंगुलर माउथ है वो कहां ओपन हो रहा है, मैनुब्रियम के अंदर ओपन हो रहा है। मैनुब्रियम ओपन इनटू स्टमच, मैनुब्रियम जाकर के स्टमच में ओपन हो रहा है। फोर रेडियल कैनाल एक्सटेंडेड फ्रॉम स्टमच टू मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला। फोर रेडियल कैनाल का मतलब चार ठे रेडियल कैनाल जो आप देख पा रहे हैं, तो चारों रेडियल कैनाल एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड मतलब निकलती हैं फ्रॉम, मतलब कहाँ से, तो स्टमच से टू मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला, और कहाँ तक गई होती हैं, अम्ब्रेला के मार्जिन तक, ये जो मार्जिन है यहाँ तक आप देख रहे हैं चारों रेडियल कैनाल पहुँची हुई है। आगे लिख देंगे रेडियल कैनाल ओपन इनटू सर्कुलर कैनाल, यानी जो रेडियल कैनाल है, ये जो रेडियल कैनाल है चाटे, ये कहाँ ओपन हो रही है, सर्कुलर कैनाल में ओपन हो रही है। इच रेडियल कैनाल बियर्स वन गोनेड, यानी कि प्रत्येक रेडियल कैनाल एक एक गोनेड धारण किए हुए है, इस हिसाब से चार रेडियल कैनाल चार गोनेड धारण किए हुए हैं, यानी चार रेडियल कैनाल के हिसाब से चार गोनेड्स भी मेडुसा के अंदर होते हैं।
तो दोस्तों मेडुसा के अंदर आने वाली खास संरचनाएं क्या हैं और उसके बारे में कैसे लिखना है, ये सारा डिटेल आप समझ गए हैं। तो इस प्रकार मेडुसा समाप्त होता है। अब अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे ये मेडुसा रिप्रोडक्शन में कैसे भाग लेता है, यानी कि कैसे यह रिप्रोडक्शन करता है, कैसे इसके अंदर से स्पर्म और ओवम निकलते हैं और फिर कैसे नई कॉलोनी का डेवलपमेंट होता है। तो पूरी डिटेल लेकर के हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।